और जैसे ही करीबन 4:45 बजे वेंकट उनके पास उनके कैबिन में गया और उनसे पूछा कि सर क्या मैं घर जा सकता हूँ, तो वो एकदम भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये इतनी जल्दी घर जाने का क्या मतलब, इतनी जल्दी किसी ऑफिस का फाइनेंस डिपार्टमेंट बंद होता है? तो वेंकट ने कहा कि सर आज घर पर कुछ अर्जेंट काम है इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, अदरवाइज तो आप जानते हैं कि मैं देर तक रुक कर सारे काम निपटाता ही हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने वो 10-8 वाली फाइल क्लियर की? तो वेंकट को याद आया कि नहीं, वो फाइल अभी उसने क्लियर नहीं की है, क्योंकि उसे क्लियर करने में उसे कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे। करीबन 200 बिल्स हैं, 200 कूपन्स हैं जो उसे क्लियर करने पड़ेंगे उसमें। तो उसने यही बात उनसे कही कि सर 2-3 घंटे लग जाएंगे, मैं घर पहुंचने में लेट हो जाऊंगा, मैं उसे कल सुबह ही आते ही कर दूंगा। लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने कहा कि वो फाइल आज ही क्लियर होनी है, उसे क्लियर करके ही घर जा पाओगे, जाओ वापस अपने टेबल पर और वो फाइल क्लियर करके पूरा काम निपटा के मुझे वापस आकर मिलो। वेंकट ने कहा सर उसमें 200 कूपन्स हैं, 200 कूपन्स इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना वेंकट, नाउ गो बैक एंड कंप्लीट योर वर्क। वेंकट भारी कदमों और मायूस मन से वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, वो क्या करे। वो चाह रहा था, उसके मन में आ रहा था कि आज वो इस नौकरी से इस्तीफा दे दे और हमेशा के लिए इस बंधन से मुक्त हो जाए। उसे लगता था, और ये बात हमेशा वो अपनी पत्नी से भी कहा करता था, कि मुझे ऐसा लगता है जैसे 40 रुपये महीना जो मेरी तनख्वाह है, इस 40 रुपये महीना में इन लोगों ने मुझे खरीद लिया है और चाहते हैं कि मेरी जिंदगी का एक एक मिनट, एक एक पल सिर्फ इनके लिए और इनके ऑफिस के काम के लिए हो। लेकिन उसके पास अब कुछ ऑप्शन था नहीं। उसने परमिशन मांगी, परमिशन नहीं मिली, ऊपर से काम और मिल गया जो उसे निपटाकर जाना ही था। और उधर घर पे शांता, अब 5 बज चुके थे और धीरे धीरे अब उसकी बेसब्री बढ़ती जा रही थी। उसे दिख रहा था कि सूरज ढल रहा है लेकिन पापा अब तक नहीं आए, और बस माँ से नजरें चुरा कर वो धीरे से घर से बाहर निकल गई और अपनी गली में आ गई। और उसे दिखा कि मेरे पापा रोज इस गली में सीधा जाकर वो उधर लेफ्ट साइड की तरफ टर्न लेते हैं, तो शायद वहीं उनका ऑफिस होगा। तो चलो मैं खुद जाकर देखती हूँ कि पापा ऑफिस में क्या कर रहे हैं और खुद उन्हें लेकर आती हूँ। अब वो बेचारी छोटी सी बच्ची, उसे नहीं मालूम था कि गली में आगे जाकर जो वो लेफ्ट टर्न है वो ऑफिस का शुरुआती रास्ता है, ऑफिस तो बहुत दूर है। लेकिन वो चली गई, वहां से उसने टर्न लिया और आगे 2 टर्न्स और लेने के बाद अब वो पूरी तरह से अपना रास्ता भटक गई। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो अपने घर भी वापस कैसे जाए। लकीली वहीं पे उसे साथ के घर में काम करने वाला एक नौकर मिल गया, जिसने शांता को वहां खड़े देखा और उसने उससे पूछा कि शांता तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो शांता ने जवाब दिया कि मैं अपने पापा को ढूंढने आई हूँ, उन्हें ऑफिस से वापस ले जाने। वो समझ गया कि बच्ची अपने घर से गलती से चली आई है और वो वापस शांता को उसके घर ले जाकर उसकी माँ के पास छोड़ आया। और इधर अब ऑफिस में 7 बज चुके थे, दिन पूरी तरह से ढल चुका था और वेंकट अब पूरी तरह से गुस्सा हो चुका था। उसे झल्लाहट हो रही थी अपने आप पर, इस नौकरी पर, अपने हालात पर, और बार बार दिमाग में आ रही थी 40 रुपये महीना की वो तनख्वाह, जो उस वक्त में, जिस वक्त ये कहानी आर के नारायण साहब ने लिखी, उस वक्त में एक अच्छी खासी तनख्वाह थी, कि 40 रुपये महीने ने मानो मुझे हमेशा के लिए यहां एक बंधवा मजदूर बना दिया है। तो बस उसने फैसला किया कि अब वो ये मजदूरी और ये मजबूरी हमेशा के लिए त्याग देगा, इसके बाद उसका जो कुछ भी हो उसे मतलब नहीं। उसने एक कोरा कागज निकाला, अपना पेन खोला और अपना इस्तीफा लिखना शुरू कर दिया और उसमें लिखा कि मैं अब इस मजदूरी को, इस मजबूरी को और नहीं ढो सकता, मैं अब और नौकरी नहीं करूंगा। और उसने अपने बॉस, अपने मैनेजर के लिए साफ साफ लिखा कि देखिए अगर ये नौकरी छोड़ देने के बाद मैं और मेरा परिवार सड़क पर आ गया और भूख से तड़प कर मर गया तो हमारी आत्माएं आपका पीछा करेंगी। ये सब अपने इस्तीफे, अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिख कर वो गया उनके ऑफिस में और वहां जाकर उनके टेबल पर वो कागज रख दिया। जैसे ही उसके बॉस ने वेंकट को अपने सामने देखा तो उन्होंने कहा अरे वेंकट मैं तुम्हें याद ही कर रहा था, तुम्हें बुलाने ही वाला था। तो उसने पूछा जी बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरी अभी हेड ऑफिस में बात हुई है, क्योंकि तुम्हें पिछले 2-3 सालों में कोई सैलरी हाइक नहीं मिली, तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ी, तो इस बार मैंने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाए और वो लोग मान गए हैं और अब अगले महीने से तुम्हारी तनख्वाह 12.5% ऊपर होकर 40 से 45 रुपये महीना हो जाएगी। ये बात सुनकर वेंकट के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई
मानो अब तक की सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा, सारी शिकायतें ये 40 से 45 रुपए महीना सुनते ही मिट गई। क्योंकि वाकई में वेंकट को पिछले 2-3 सालों में कोई सैलरी हाइक नहीं मिला था, जो कि शायद उसके फ्रस्ट्रेशन का और भी एक कारण था कि एक ही सैलरी पर वो काम करता जा रहा था, बल्कि उसके साथ के लोग और उसके बॉस, इनकी तनख्वाह हर साल बढ़ रही थी। लेकिन इस बार ये 45 रुपए महीना सुनकर वेंकट ने चुपचाप टेबल पर से वो कागज वापस ले लिया। तो उसके बॉस ने पूछा कि क्या ये कागज किस बारे में है, क्या लिखा है इसमें? तो उसने कहा कि सर कुछ नहीं, वो 2 हफ्ते बाद मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी, उसी की लीव एप्लीकेशन थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी तुम्हारी तनख्वाह बढ़ने वाली है, अभी छुट्टी वुट्टी बिल्कुल भूल जाओ और मन लगाकर काम करो, जितना काम कर रहे हो उससे भी ज्यादा करना पड़ेगा। वेंकट ने हां में सर हिलाया और वापस अपनी टेबल पर आकर बैठ गया और वो 10-8 वाली फाइल जो उन्होंने कहा था उसे पूरी तरह निपटाकर, वो 200 कूपन्स पूरी तरह जांच कर, अपना काम सबमिट करके वापस 9 बजे घर पहुंचा। उसे देखते ही उसकी पत्नी शांता की मां थोड़ा गुस्सा हो गई, क्योंकि उन्होंने सुबह ही कहा था कि तुम बच्ची से कोई झूठा वादा मत करो, इसका दिल टूट जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि आज शाम को इतना कुछ हो जाएगा। उन्हें नहीं मालूम था कि इस नौकरी ने उन्हें इतना बेबस बना दिया है कि एक शाम जल्दी घर वापस आकर अपनी बच्ची को फिल्म दिखाना इतना बड़ा चैलेंज बन जाएगा। खैर, भारी कदमों के साथ वो घर में दाखिल हुए। उन्होंने आंखों ही आंखों में शांता की माँ से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन शांता की माँ ने उनकी तरफ नहीं देखा। फिर वो शांता के कमरे की तरफ बढ़े और उस बच्ची को अपनी पिंक फ्रॉक में और वो रिबन लगाकर सोते हुए देखकर मानो उनका दिल टूट गया, उनकी आंखें भर आई और वो फौरन अपना बैग एक तरफ रख के शांता को उठाने के लिए आगे बढ़ने लगे कि अचानक शांता की माँ पीछे से आई और उन्होंने उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया कि अभी भी वक्त है, हम जाकर रात वाला शो देख सकते हैं, और ये कहकर वो शांता को उठाने लगे। शांता बेटा उठो, शांता उठो, हमें फिल्म देखने जाना है। अब बच्ची इतनी गहरी नींद में जा चुकी थी कि उठाने की जबरदस्ती से वो रोने लगी। शांता की माँ दौड़कर उसके पास आई, उन्होंने शांता को अपनी गोद में लिया और उन्हें समझाया कि अब वो जिद ना करें, वो पहले ही बहुत रो चुकी है और रोकर ही सोई है, अब दोबारा उसे जगाकर वो और उसे परेशान ना करें। शांता के पिता का सर शर्म से, गिल्ट से, एक बोझ से फिर एक बार झुक गया। तो उनकी पत्नी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि देखिए आप ऐसे दिल छोटा मत कीजिए, ठीक है चलिए आज जो भी हुआ, लेकिन फिर कभी आपको मौका मिले तो इसे फिल्म दिखाने जरूर ले जाना। तो शांता के पिता ने भरी हुई आंखों के साथ अपनी पत्नी से कहा कि नहीं, अब मैं इसे कभी फिल्म दिखाने नहीं ले जा पाऊंगा। तो शांता की माँ ने बड़ी हैरानी से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि अब मेरी तनख्वाह बढ़ गई है, जिन लोगों ने 40 रुपए महीना में एक शाम मुझे जल्दी आने नहीं दिया, अब उन्हीं लोगों ने बढ़ाकर मेरी तनख्वाह कर दी है 45 रुपए महीना। तो मुझे पूरा यकीन है कि अब मैं इसे कभी भी फिल्म दिखाने नहीं ले जा पाऊंगा। आशा करते हैं कि स्टोरी सेगमेंट आपको अच्छा लगा। अगर हां तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पूरी कहानी देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।